आज तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ की। दरअसल ऋतुराज गायकवाड़ का अब हाल ही में भारत में चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जहां पर महाराष्ट्र कप्तान बनने के बाद पिछले 3 मुकाबलों में इन्होंने लगातार 3 शतक बना दिए है। जहां पर लगभग 5 दिन पहले इन्होंने यहां पर मध्य प्रदेश के खिलाफ 136 रन की पारी खेली थी। 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ के खिलाफ इन्होंने नाबाद 154 रन की पारी खेली थी और कल के दिन केरला के खिलाफ अब इन्होंने 124 रन की पारी खेली है। तो लगातार 3 मैचों में इन्होंने 3 बड़े शतक लगा दिए और कप्तान बनने के बाद तीनों मैचों में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो सीएसके की टीम का इनको रिटेन करने का यहां पर ये सबसे बेस्ट फैसला बताया गया। इवन पंजाब की टीम ने और केकेआर की टीम ने गायकवाड़ को 12-12 करोड़ का यहां पर अपनी टीम में ट्रेड होने का ऑफर दिया। इवन लखनऊ की टीम ने 16 करोड़ का इनको प्रपोजल अपनी टीम में आने के लिए दिया था, लेकिन 8 करोड़ में यहां पर केवल 8 करोड़ में यहां पर ये सीएसके की टीम में रिटेन हुए। तो गायकवाड़ का यहां पर लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग गायकवाड़ की आखिर इस प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में एंट्री होनी चाहिए या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा की तरफ से। दरअसल विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने अब विराट कोहली को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। यहां पर विराट कोहली को लेकर एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि जब से यहां पर विराट कोहली को बीसीसीआई ने वनडे की कप्तानी से हटाया, तब से इन्होंने विराट कोहली को यहां पर फोन लगभग 10 से भी अधिक बार ट्राई कर दिया, लेकिन हर बार विराट कोहली का इनको फोन स्विच ऑफ मिला। इनके अकॉर्डिंग विराट कोहली ने पिछले 2 दिनों से अपना फोन ऑन नहीं किया, यानी विराट कोहली कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली ने अपना फोन ऑन नहीं किया, ना ही किसी से यहां पर कॉल के थ्रू विराट कोहली ने बातचीत करी है। तो विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने यह बताया कि कप्तानी से हटाए जाने के कारण विराट कोहली शायद काफी अधिक निराश है, इसी वजह से उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर रोहित शर्मा के अंडर विराट कोहली यहां पर क्रिकेट खेल पाएंगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है यहां पर 2 फ्लॉप प्लेयर्स को लेकर। दरअसल आरसीबी की टीम ने मैक्सवेल को 12 करोड़ में यहां पर रिटेन किया, लेकिन रिटेन करने के बाद पिछली 11 पारियों में इन्होंने यहां पर एक बार भी 50 रन स्कोर नहीं किया। आप इनके स्कोर अपने स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे, जहां पर केवल 11 के एवरेज से पिछले यहां पर 11-12 पारियों में इन्होंने रन बनाए। इसके साथ ही यहां पर शिखर धवन का भी यहां पर अब लगातार खराब प्रदर्शन रहा है, जहां पर अपनी टीम से रिलीज होने के बाद, यानी दिल्ली कैपिटल से रिलीज होने के बाद अब तक हुए यहां पर विजय हजारे के 3 मुकाबलों में इन्होंने केवल 26 रन बनाए। जहां पर झारखंड के खिलाफ तो ये खाता भी नहीं खोल पाए थे, हैदराबाद के खिलाफ केवल 12 रन की इन्होंने पारी खेली थी और यहां पर कल हुए मुकाबले में अब इन्होंने केवल 14 रन बनाए। तो यहां पर शिखर धवन का, ग्लेन मैक्सवेल का यहां पर आईपीएल के बाद से ही काफी खराब फॉर्म रहा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग शिखर धवन को आखिर इस खराब फॉर्म के बाद भी मेगा ऑक्शन में अब टीमें परचेस कर पाएगी या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो ये चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है पंजाब के टारगेट प्लेयर्स को लेकर। दरअसल आपको इस वीडियो में आज पंजाब के टारगेट प्लेयर्स के नाम बताए जाएंगे और कल आप कौन सी टीम के टारगेट प्लेयर्स के नाम जानना चाहते हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट टीम का नाम आप अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर हम बात करते हैं पंजाब के टारगेट प्लेयर्स की, तो पंजाब की टीम ने तो यहां पर अपनी टीम में यहां पर मयंक अग्रवाल को, इसके साथ ही अर्शदीप को रिटेन किया सबसे अधिक 72 करोड़ का आज की तारीख में। इस टीम के पास पर्स बैलेंस है, ये टीम जिस प्लेयर को चाहे उस प्लेयर को अब मेगा ऑप्शन में यहां पर परचेस कर सकती है। अब कप्तान के विकल्पों में ये टीम डेविड वॉर्नर को यहां पर परचेस करने का ट्राई करेगी, फेब डुप्लेसी को भी ये टीम परचेस करने का ट्राई करेगी और मयंक अग्रवाल को भी ये टीम कप्तानी सौंप सकती है। तो इन 3 में से कोई एक इस टीम का कप्तान होगा, जबकि बल्लेबाजों के रूप में यानी मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों के रूप में ये टीम एडम मार्करम को, शाहरुख खान को, निकोलस पूरन को, मैथ्यू वेड को, अभिषेक शर्मा को अब मेगा ऑप्शन में यहां पर टारगेट करेगी। इसके साथ ही ऑलराउंडर के रूप में ये टीम
टीम बेन स्टोक्स को इसके साथ ही यहाँ पर जेसन होल्डर को, मार्कस स्टोइनिस को, हार्दिक पांड्या को इसके साथ ही कृणाल पांड्या और हसरंगा को अब मेगा ऑक्शन में टारगेट करी। ये टीम मोस्ट लाइकली ऑलराउंडर को काफी अधिक टारगेट करेगी, यहाँ पर ऑलराउंडर्स के आ जाने के बाद इस टीम के स्क्वाड में काफी अधिक बैलेंस आ जाएगा। तो 72 करोड़ के पर्स बैलेंस के साथ ये टीम हर एक ऑलराउंडर को मेगा ऑक्शन में अब टारगेट करेगी। स्पिन गेंदबाजों के रूप में ये टीम रवि बिश्नोई को, मयंक मार्कंडे को अब परचेस करने का ट्राई करेगी। तेज गेंदबाजों के रूप में जोफ्रा आर्चर को, खगिश्वर अबाड़ा को, लोकी फर्ग्यूसन को, दीपक चेयर को, भुवनेश्वर कुमार को ये टीम टारगेट करेगी। तो कुछ इस तरीके से पंजाब की टीम के आईपीएल 2022 के एडिशन के हमें टारगेट प्लेयर देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर और कौन कौन से पंजाब प्लेयर्स को यहाँ पर पंजाब की टीम को अब टारगेट करना चाहिए, आपको कैसी ये लिस्ट लगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर शाहरुख खान की तरफ से। दरअसल यहाँ पर पंजाब के रिलीज प्लेयर शाहरुख खान का अब यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहाँ पर पिछले दो मुकाबलों में इन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली। आप अपनी स्क्रीन पर इनके स्कोर भी देख पा रहे होंगे, जहाँ पर इन्होंने इससे पहले शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम को आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर यहाँ पर टूर्नामेंट का विनर बनाया था। और अब यहाँ पर इनका इस टूर्नामेंट में विजय हजारे ट्रॉफी में अब काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इस प्रदर्शन के बाद मेगा ऑक्शन में अब ये तो एक्सपेंसिव बिकेंगे, इसके साथ ही और भी यहाँ पर 8 से 10 यंग इंडियन प्लेयर मेगा ऑक्शन में काफी एक्सपेंसिव बिकेंगे। आपको सभी इंडियन प्लेयर्स की यहाँ पर लिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आज देखने को मिल जाएगी। सभी यंग इंडियन प्लेयर्स को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल वीडियो आएगी, तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यंग इंडियन प्लेयर्स को लेकर आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाए। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वेंकटेश अय्यर की तरफ से। दरअसल वेंकटेश अय्यर का भी अब विजय हजारे ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जहां पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने यहां पर पिछले मुकाबले में 112 रन की पारी खेली थी। महज 84 बोलों में इन्होंने 112 रन बनाए थे। इसके साथ ही नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए भी इन्होंने 49 बोल में 71 रन की पारी खेली थी और गेंद के साथ भी हर एक मुकाबले में 2 से 3 इन्होंने औसतन विकेट लिए है, तो इनका भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके साथ ही यहाँ पर पंजाब के यहाँ पर मयंक मार्कंडे ने भी, यानी पंजाब की तरफ से खेलते हुए मयंक मार्कंडे ने भी अब तक विजय हजारे ट्रॉफी में यहाँ पर महज 3 मैचों में यहाँ पर 9 विकेट ले लिए। तो कुल मिलाकर अब डोमेस्टिक क्रिकेट में इन यंग इंडियन प्लेयर्स का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है केकेआर के यहाँ पर 3 टारगेट प्लेयर्स को लेकर। दरअसल मेगा ऑक्शन से पहले अब केकेआर की टीम ने यहाँ पर 3 प्लेयर्स को टारगेट किया है और इन 3 प्लेयर्स को ये टीम मेगा ऑक्शन में कंफर्म रूप से अब परचेस करेगी। यहाँ पर इस टीम ने विकेट कीपर के तौर पर क्विंटन डिको को, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर स्टीवन स्मिथ को, इसके साथ ही राहुल त्रिपाठी को यहाँ पर बल्लेबाज के रूप में इस टीम ने टारगेट किया। जहाँ पर राहुल त्रिपाठी को मेगा ऑक्शन में ये टीम रीबाई करने का प्रयास करेगी। डिको को ओपनिंग स्लॉट में ये टीम परचेस करने का ट्राई करेगी ताकि इस टीम को विकेट कीपर भी मिल जाए। इसके साथ ही स्टीवन स्मिथ को ये टीम खबरें के कप्तान के रूप में भी कंसिडर कर रही है। कप्तान बनाने के लिए भी ये टीम स्मिथ को परचेस कर सकती है। तो कुल मिलाकर स्मिथ को और डिको को त्रिपाठी को ये टीम टारगेट करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस टीम का ये सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आती है बिग बैश लीग को लेकर। दरअसल बिग बैश लीग के कल के मुकाबले में यहाँ पर मैथ्यू वेड ने महज 46 बोलों में 93 रन की पारी खेली थी। केवल 11 ओवर में इन्होंने यहाँ पर इंडिविजुअली 93 रन बना दिए थे ओपनिंग स्लॉट में। पिछले 2 से 3 सालों में बिग बैश लीग में काफी सक्सेसफुल रहे। हमने देखा था कि वर्ल्ड कप में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभाया था। तो मेगा ऑक्शन से पहले अब मैथ्यू वेड के परफॉर्मेंस के चलते हुए मैथ्यू वेड को अब मेगा ऑक्शन में काफी सारी टीमें टारगेट करेगी, जहां पर नई आईपीएल टीमें भी अब इनको टारगेट करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मैथ्यू वेड को आखिर मेगा ऑक्शन में कौन सी टीम कितने करोड़ तक आखिर परचेस करेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।